हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस जो आपको बोर्ड ने प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उसमें मैं पहला चैप्टर जो है आपका फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, उसका ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से आएंगे। और थोड़ा मैं इसको मैं खुद बोल रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा जल्दी लूँगा क्योंकि इसमें आंसर सब दिए हुए, फटाफट आपको कर लेना है, सिर्फ आपको प्रोवाइड करने का मेरा उद्देश्य रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम जरा जल्दी करेंगे। तो पहला जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वन मार्क रहते हैं। देखिए इसमें क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड कंटेन मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उसका आंसर क्या है, ये तो दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का आंसर है, हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन बोला है द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम कंटेन फोर ब्रेवियस लैटिस। तो उसका आंसर है ऑर्थोरोम्बिक है। ऐसे इसका इतना डिटेल नहीं है, ये भी देखा जाए तो रिड्यूस पोर्शन में देखा जाए, एक तरह से इतना डिटेल अपने इसमें नहीं है, कितने चार है तीन है इतने डिटेल नहीं बताया आपके। इसमें एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है येलो कलर में, याद है आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द एन ऑक्टाहेड्रल वाइड इज सराउंडेड बाय। तो आपको याद होगा नीचे थ्री ऊपर थ्री, टोटल सिक्स, इसका आंसर रहेगा सिक्स स्पेयर्स। ऐसे थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस हो चुका है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है वो रिड्यूस पर है, तो उसके लिए मैं उसको टाइप नहीं किया, जो रिड्यूस उसको मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसको नहीं लिया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है अ पेयर्ड कैटायन एनायन बैलेंस इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेयर्ड को हम स्टॉकी डिफेक्ट बोलते हैं, आसान है। फिर देखिए द यूनिट ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम हैज एटम्स एट द एट कॉर्नर्स, हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल कितने होने चाहिए, वन। एट कॉर्नर्स मतलब 1/8 इनटू 1/8 इक्वल्स टू 1 आता है, याद आ रहा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्मड बाय प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोला है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, आपको स्पेस याद होना चाहिए कितना है उसका, है उसका 52.4% होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्फीयर्स इन एचसीपी लैटिस इन थ्री डायमेंशन याद होगा ना, 12 होता है इसका, उसकी पूरी लिस्ट है वो याद कर लीजिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एंड क्रिस्टलाइजेस इन द बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये कॉर्नर पे मतलब 1/8 मतलब ए 1 आएगा इसका। एटम्स ऑफ वाई प्रेजेंट एट सेंटर, सेंटर मतलब 1, तो 1 और 1, तो इसका y का वन आएगा, x का वन आएगा, y का वन आएगा, मतलब इसका आंसर भी हो जाएगा, सेंटर में ही है, कॉर्नर में है, मतलब 8 into 1/8 मतलब 1 आता है। अब देखो नेक्स्ट है सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BC स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ, मतलब इसमें एज लेंथ a दे रखा है, ऑफ यूनिट सेल इज ये रखा है द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, तो रेडियस निकालना है आपको। देखो तो मैंने तो सॉल्व करके दिया, हिंट दे रखा है यहां पर, देखो फॉर BCC क्या होगा, r इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 3 into a अपॉन 4। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू ये रखी क्वेश्चन में, ए की वैल्यू ये अंडर लाइन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर जाएगा आंसर, हिंट है आपके इसका जो आंसर है वो ए करेक्ट है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये हो गया एमसीक्यूज, अब हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वन मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया राइट द इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ फ्रैंकल इफेक्ट, क्या होता है इफेक्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखे हुए पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंस लिखा हुआ है। इन फ्रैंकल इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, मतलब क्या होता है एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज अ होल, कोई भी आयन मिसिंग तो उसकी डेंसिटी सेम नहीं, एक मार्क ऐसे क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है नेम द, ये फर्स्ट हो गया नेम द, सेकंड है नेम द ब्रेवियस लैटिस इन अ ट्राइक्लिनिक सिस्टम, इसमें डिटेल नहीं है अपने इसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने दिए क्वेश्चंस देखा जाए तो ये भी रिड्यूस में आ जाता है। द ब्रेवियस लैटिस इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम इज अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब ये भी नहीं है डायमैग्नेटिक, ऐसा मीनिंग हमको मालूम है लेकिन उसके अंदर पीछे के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हटा दी गई है, तो ये छोटे छोटे करके रखा है मैंने यहाँ पर। द सब्सटेंसेस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन स्पेयर आर वीकली रिपल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, ओके, आसान है। फिर देखो गिव वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP और CCP, दोनों क्या कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, कितना 12। देखो तो वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP लैटिस इज द सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन रिड्यूस है, सिक्स में सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ BCC, अभी कितना इजी ड्रॉ की डायग्राम BCC, कोई भी ड्रॉ कर सकता है ना।
फिर देखिए अब नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स आर फॉर्म इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल इज एन बाई टू बोल रहा है. तो इफ द नंबर ऑफ एटम क्रिस्टल इज एन बाई टू है तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना दे रखा है 6.817 × 10⁻²⁷ cm³ दिया रखा है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम निकलता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल इन यूनिट सेल. तो वॉल्यूम आपको निकालना है उसका फॉर्मूला याद रखना चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पार्टिकल सिंपल क्यूब से. तो इसका है पाई ए क्यू अपॉन 6. तो पाई की वैल्यू 3.14 आपको 10 से पढ़ना है वो तो याद ही हो गया आप लोगों को ठीक है ना. फिर इसमें इसमें ए की वैल्यू दे रखी है 6 डिवाइड करना है इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो आंसर आ जाएगा. ये तो कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से. अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स फॉर्मड इन 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्मिंग एसिडिक स्ट्रक्चर. तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है 0.5. तो 0.5 इनटू एन ए एन ए की वैल्यू हमको मालूम है मतलब एवोगाड्रो नंबर इससे से मल्टीप्लाई होगा आ गया आंसर. तो नंबर ऑफ वाइड्स क्या आ गया आ जाएगा कहीं सिंपल सिंपल क्वेश्चन है. अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. ये टाइप वन ले रहे हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन टाइप वन फिर टाइप टू ऐसा है. तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं लिया फर्स्ट जो है वो रिड्यूस हो गया है रिड्यूस लिखा नहीं मैंने अब लिख देता हूँ रिड्यूस्ड हो गया है ये रिड्यूस में से वो डेरिवेशन नहीं आता है वो. फिर यहाँ पे क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड एज मॉलिकुलर आयनिक कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स में करना है. लीड किस में आएगा मेटेलिक सॉलिड में आएगा. मैग्नीशियम फ्लोराइड किस में आ जाएगा आयनिक सॉलिड में आएगा. सल्फर डाइऑक्स में आएगा मॉलिकुलर सॉलिड. क्वार्ट्ज किस में आएगा कोवेलेंट सॉलिड में आएगा. हो गया क्या होता है कि वन कॉर्नर में 1/8 शेयर करता है. तो 1/8 कॉर्नर इनटू 1/8 मतलब 1 आता है अपन निकालते हैं. कॉर्नर से 8 है ना और एक कॉर्नर 1/8 से तो क्या होता है वो शेयर करता है कंट्रीब्यूट करता है. तो इसलिए 8 × 1/8 तो ये आ गया आंसर ठीक है ना. मतलब 8 × 1/8 करने से आपका आंसर वन आ जाएगा. ये कॉर्नर हो गया. अब बात करते हैं किसमें फेस की बात करते हैं. फेस में जो रहता है फेस में दो एटम कंट्रीब्यूट करता है तो 1/2 लिखना पड़ता है. तो और कितने होते हैं फिर 6 होते हैं 6 × 1/2 मतलब 3 आ जाएंगे. तो टोटल कितना आएंगे 4 पार्टिकल आ जाएंगे. आसान सा क्वेश्चन इतना डिटेल ही लिखना शॉर्ट शॉर्ट लिखना है ठीक है. आप देखते हैं एक्सप्लेन द डायग्राम एंड वैलेंसी डिफेक्ट बताना वैलेंसी डिफेक्ट. अब आपको ये याद रखना है यहाँ पर ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड तो क्या होता है पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड. जब हम ये बनाते हैं एलॉय बनाते हैं ना तो क्या होता है उसमें जब उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं सॉलिड का तो उसमें से ज्यादा पार्टिकल मिसिंग हो जाता है रेगुलर साइड से ठीक है ना. तो द मिसिंग पार्टिकल क्रिएट वैकेंसी इन द लैटिस क्रिस्टल एंड दस सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट एंड बिकॉज ऑफ मिसिंग पार्टिकल एज शोन इन द फिगर. दो दिखाई दो यहाँ हम सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें यहाँ से पार्टिकल मिसिंग हो गया यहाँ से मिसिंग हो गया तो वैलेंसी हो गई उसको बोलते वैकेंसी बोलते उसको वैकेंसी डिफेक्ट नाम दिया उसको ठीक है ना. और हीट करने से भी हो सकता है ये डिफेक्ट. देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 0.5 ग्राम ऑफ स्पीसीज हैविंग डेंसिटी 8.5 ग्राम पर cm³ एंड यूनिट सेल लेंथ दे रखा है यहाँ पर 3.25 × 10⁻²⁸ cm. तो गिवन पहले लिखना क्या है ऐसा लिखते हैं एग्जाम्पल गिवन डेंसिटी रो 8.5 एज लेंथ ए ये दे रखा है मास ऑफ पार्टिकल दे रखा है फिर फाइंड क्या करना नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.3 ऑफ न्यू करना है. नाम नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला देखो
नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.3 ग्राम ऑफ स्पीसी को हमने एक्स क्यूएल लिख दिया, ऊपर 8.5 लिख दिया रो डेंसिटी, और ये 3.2 इसका क्यूब लिख लिया, पूरा सॉल्व करके आंसर आएगा 1.03 इंटू 10 टू पावर 23, मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल ऐसा आंसर लिखना पड़ता है, फिर ये आंसर आ जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है उसमें, द कंपाउंड कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, तो व्हाट इज द यूनिट सेल एज लेंथ बोला है, इफ डायमीटर ऑफ इट्स एटम इज 120 पिकोमीटर, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है, बीसीसी है, डायमीटर कितना दे रखा है 120 पिकोमीटर हमें दिया है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो इनटू 10 टू पावर 10, और उसको इधर करेंगे तो 1.28 करना पड़ेगा, फिर है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर बी सी सी इसका फॉर्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट 3 a/4, तो 3 डायमीटर रेडियस दे रहा है कि नहीं है, तो डायमीटर ऑफ एटम अपॉन 2 तो कर दिया है, तो ऐसे रेडियस आ गया आपका, अब फॉर्मूला यूज कर लिया, इक्वल टू 4r/√3, तो वैल्यू डाल दिया, सॉल्व कर लिया आंसर के इधर। दो न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आप देखते हैं शॉर्ट आंसर, जो शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें टाइप 2 है 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो रिड्यूस है, उसका भी रिड्यूस था, इसका भी रिड्यूस है पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इन केस ऑफ एचसीपी स्ट्रक्चर, तो हाउ आर स्फीयर्स इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर अरेंज, अब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन वो दे रखा है, तो देखो अभी, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय स्टैकिंग टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स, ठीक है, सो द स्फीयर्स इन फर्स्ट लेयर आर अरेंज टू फॉर्म टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक के ऊपर एक अरेंज करके टू डायमेंशन बनेगा, पहले सिंगल फिर एक के ऊपर डबल हो जाएंगे, ठीक है, द स्फीयर्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर, इफ द फर्स्ट लेयर इज लेवल, पहले लेयर दूसरा डिप्रेशन, एक आगे पीछे था डिप्रेशन होते हैं फर्स्ट लेयर, एंड सेकंड लेयर इज लेवल बी बिकॉज द लेयर आर अलाइन डिफरेंटली, एक आगे एक पीछे, मतलब एक लेयर पहली लेयर ऐसी है मान लीजिए, तो दूसरी लेयर ऐसी होगी आगे पीछे होगी, ऐसा फिर ऐसा ए बी बी टाइप ऐसा, the spheres of the third layer are aligned in the sphere of the first layer, और resulting आ जाएगा आपका ABB type का आपका बनेगा, तो फिर जो arrange result in hexagonal pack structure आ जाएगा उसका, ठीक है ना, ये आपको इतना लिखना है छोटा सा। अब numerical देखते हैं 3 mark का, a substance crystallized in FCC structure, the unit cell edge length of कितना देगा 367.8 pm picometer, कैलकुलेट द मोलर मास, ये क्वेश्चन आपका है, ये सिलेबस का है, ये आ रहा है, एज लेंथ दे रखा है, इसको पिकोमीटर उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, ठीक है ना, बराबर है कि नहीं, इनटू 10 टू द पावर 10 लेना, और ये पॉइंट शिफ्ट करके 8 हो गया है, फिर डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर का मोलर मास आपको फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला ऐसे लिख के इसमें लिखा है, स्टेट है, तो एफ सी सी लिख कितना होगा एन 4 होता है, निकाल के देख लीजिए फॉर्मूला ये है आपका, अब हम फॉर्म सारी वैल्यू डालते हैं, मैंने सारी कैलकुलेशन करके दिखाया है, तो पूरा कैलकुलेशन हो गया, इसमें वैल्यू डाली सारी यूजिंग लॉक, हमेशा लॉक टेस्ट ही करना बड़े बड़े करके, पूरा लॉक की वैल्यू से आएगा 1.61 आंसर आया सर, 1.61 ग्राम ये लॉक से आ जाएगा आपका, सारे लिखा है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप लोगों का मैसेज ना प्रॉब्लम, फिर भी यहाँ पर टाइम बचाने की कोशिश की है, ठीक है, ये कर ले रहा है, अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये इस टाइप क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप ये डेंसिटी क्वेश्चन 100% ऊपर की जो दो दी तो उसके चांसेस नहीं है, तो यूनिट सेल ऑफ सोडियम इज बीसीसी है, डेंसिटी दे रखा है यहाँ पर, व्हाट इज द रेडियस निकालने बोला है यहाँ पर, ठीक है ना, रेडियस सोडियम आयन इफ द मोलर मास ये दे रखा है, डेंसिटी इतना दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, सोडियम की आर निकालना है, तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला ये है और बीसीसी के लिए आर का फॉर्मूला ये है, ये जरा रेडियस निकालने के चांसेस कम है, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे, तो देखो फॉर बी सी सी एन की वैल्यू दे रखी 2 है, मालूम यहाँ बी सी सी का फॉर्मूला ये ए क्यूब, तो ए क्यूब से निकालो पूरा सॉल्व करके, ये आ जाएगा आपका, फिर फॉर्मूला 2 सेकंड सेकंड डाल दो वैल्यू, सॉल्व कर दिया आंसर, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो डेंसिटी वाला जरूर आएगा, डेंसिटी का जरूर आएगा, वही एक क्वेश्चन आपके सिलेबस का, ठीक है ना, मैं तो फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आप सब ऐसा प्रिंटेड कुछ नहीं, आराम से तैयारी कर सकते, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी, चाहे हाउ आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम and the metal deficiency effect होता है, ठीक है, अब देखो non stoichiometric point defect are classified in 2 types, आपको याद होगा metal deficiency और metal, अब ये सारे deficiency सारे important है, Stocky, Frankel, पूरा defects पूरा करना है आपको, मैं पहले बता defects करके जाना है और density के formula पे आपको numerical करना है, तो metal deficiency देखते पहले अभी हमें metal deficiency defect देख लीजिए, this defect is possible only ये one है,
हाँ ये पहले नॉन स्ट्रक्चर में दो है, मेटल में देखो इसके दो है, दो पॉइंट है। मेटल डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इसमें दिखाएगा इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइज, ठीक है ना। एंड एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड सम मेटल विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन मिसिंग मेटल। हम जरा देख लेते डायग्राम से, देखो यहाँ पे क्या वैकेंसी आ जाती है यहाँ पे, तो वैकेंसी डिफेक्ट्स में भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इन द कंपाउंड निकिल ऑक्साइड, तो निकिल पे प्लस टू आयन मिसिंग क्रिएटिंग वैकेंसी, देखो यहाँ से निकिल मिसिंग हो गया तो वैकेंसी क्रिएट किया। एंड डेफिनेशन ऑफ टू पॉजिटिव टू प्लस चार्ज इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ टू निकिल, देखो ठीक है ना, प्लस निकिल प्लस थ्री आयन है एंड अदर दैट इज निकिल प्लस टू, एंड कॉम्पोजिशन एन आई को ये हो गया। ये शॉर्ट शॉर्ट में लिखे हुए वहाँ पे काफी डिटेल टेस्ट हो गया, शॉर्ट शॉर्ट में आपको करके दे दिया, ये कर लीजिए, ठीक है ना। अब फोर मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर भी फोर मार्क्स के, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं चेंज करो, लेकिन देखो सब डिफेक्ट्स का ही है पूरा है। देखो व्हाट आर द नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक डिफरेंट पॉइंट एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम हो रहा है, इसको ये एफ सेंटर बहुत काम का है, ये भी बहुत काम का है, इसका लेना है, ये मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है ना। नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट देते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस व्हेन रेशियो, नॉन मतलब सर रेशियो क्लियर नहीं होता है, क्लियर है ना आपको, व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन काइंड ऑफ दैट ऑफ अदर काइंड और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटाइन टू द आयंस बिकॉज बिकम डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेट द केमिकल इट्स केमिकल फॉर्म, मतलब किसमें क्या रेशियो बराबर से हम लीजिए सोडियम ऑक्साइड, तो देखो सोडियम ऑक्साइड एक सोडियम और एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितना प्लस टू, सोडियम भी प्लस टू है, एन ए टू हो लिखा गया, तो ये होता है कलर और एफ सेंटर हो गया था, इसको ये कलर कलर टू द कलरलेस सिस्टम होता है, मतलब दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इंपार्ट कलर टू द कलर, जो कलरलेस होता है ना उसमें कलर को शो करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, अभी एन ए सी लिया है, पोटेशियम क्लोराइड सॉरी सोडियम क्लोराइड लिया है, एन ए सी लिया है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, तो सोडियम आइटम आर डिपॉजिट ऑन सोडियम सरफेस, सोडियम सरफेस डिपॉजिट हो जाएगा, तो क्लोराइड डिफ्यूज टू द क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग वैकेंसी, यहाँ से वैकेंसी हो गई ये सर्कल एट देयर रेगुलर साइड्स, एंड दिस क्लोराइड आयन कंबाइंड विद सोडियम आइटम ऑन सरफेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस थ्री है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अब देखो एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीज डिफ्यूज इनटू द क्रिस्टल फिर जाकर जमा हो जाएगा एंड ऑक्यूपाई वैकेंट साइड, उसको ऑक्यूपाई करेगा ऑफ द एनायन, एंड एनायन साइड्स ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ सेंटर होते हैं और कलर सेंटर होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड शोज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, एंड द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्स्ट्रा सोडियम एंड नॉन स्टॉइचियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट लिख के दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट में थोड़ा बड़े थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिख के कर दीजिए, इसमें कर लीजिए बड़ा, पीछे जो जितना भी डिफेक्ट बड़े वो छोड़ के इसको कर लीजिए आप इसको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोल रहा है, एंड व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी, ये सारे इंप्योरिटी पीछे का पूरा दे दिया, पूरा स्टॉकी ये सब काम कर रहता है, एक्सप्लेन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल एंड वैकेंसी थ्रू द एल्यूमिनेट, तो इसमें से हमें थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट पे लिखा हुआ है, इसमें से कर लीजिए, पीछे का टेक्स्ट बुक करना पड़ते हैं जो आपने नोट्स है उसमें पूरा टेक्स्ट बुक है, इसमें शॉर्ट शॉर्ट कर लीजिए। देखो देर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ हाइलेशन डिफेक्ट, इंटरेस्ट डिफेक्ट सॉरी एंड स्टॉक डिफेक्ट, ये बहुत काम का है, ये वाला अच्छा कर लेना, इसमें सारा आ रहा है, ठीक है ना। फोर टाइप्स के कौन कौन से हो रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरेस्ट डिफेक्ट, स्टॉक डिफेक्ट, फ्रैंकली डिफेक्ट, ये वाला बहुत काम है। पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, देखो सेकंड, तो इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइट ऑफ इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स एंड द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर साइट्स लैटिस साइट्स बाय इंप्योरिटी, लैटिस को इंप्योरिटी रिप्लेस कर देगा। देखो सॉलिड सॉल्यूशन मेटल एलॉयस में देखेंगे, देखो कॉपर में क्या जिंक, जिंक इंप्योरिटी हो, ब्रास माने आपको ब्रास, ब्रास एलॉय होता है कॉपर और जिंक, इन द ब्रास होस्ट कॉपर आयंस आर रिप्लेस्ड बाय इंप्योरिटी, जिंक ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो सॉलिड सॉल्यूशन इंप्योरिटी होता है, एलॉयस में आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी थ्रू एलिमेंट इंप्योरिटी, ये थोड़ा इसमें आपने टेक्स्ट में पढ़ा है, यहाँ छोटा यहाँ से कर लेना, वैलेंसीज जो रहता है सॉरी वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इंप्योरिटी ऑफ एलिमेंट आयन, मतलब दैट इज आयन, मतलब इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन से डिफरेंट होता है सोल्स आइटम से, उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, एलिमेंट
ठीक है। अब जैसे वो हमने एक स्मॉल अमाउंट का लिया क्या, हमने स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इम्प्योरिटी ऐड किया, हमने सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब उसका क्रिस्टलाइजेशन होगा तो देखो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एडेड द स्ट्रॉन्शियम मतलब उसका प्लस टू चार्ज है, इसका ऑक्सीजन कितना है प्लस टू है, ऑक्यूपाई सम ऑफ द रेगुलर साइड सोडियम आयन होस्ट आयन, इसका ऑक्सीजन कितना है प्लस वन है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी एवरी स्ट्रॉन्शियम आयन रिमूव दो, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम प्लस टू है तो सोडियम वन है तो इसलिए दो दो को रिमूव करेगा। एंड वन ऑफ द वैकेंट लैटिस साइट क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ टू सोडियम आयन इन द ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रॉन्शियम आयन, अदर साइड्स ऑफ सोडियम आर रिमेन वैकेंट। तो ये फिगर में दिखाया वैकेंसी ऑफ आयन दो, ऐसा नहीं होता दो सोडियम को रिप्लेस करता है वो एक ये। अच्छा अभी एक अब ये जो लास्ट क्वेश्चन तो नॉमिनल है, ये तो फॉर्मूले फॉर्मूले इसका कुछ प्रॉब्लम है नहीं। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इट्स मॉलिकुलर सॉरी मोलर मास यूनिट सेल एज लेंथ, एक्सप्लेन हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पूरे फॉर्मूले का है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड इट्स मोलर मास एंड द यूनिट सेल एज लेंथ देख लीजिए। इफ एज लेंथ क्या ये मान लिया ए मान लिया है और वॉल्यूम उसका ए क्यू मान लिया है तो फिर उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, मास ऑफ यूनिट रहेगा एम इंटू एन जाएगा एन पार्टिकल, सपोज मास ऑफ पार्टिकल कितना एम लिया है और एन पार्टिकल इतना हो जाएगा मास, ठीक है ना। ये इसको फर्स्ट लिखिए। अब डेंसिटी निकाल सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब रो विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है तो एम इंटू एन अपॉन ए क्यू, ये डेंसिटी सब्सटेंस आ जाएगा। अब देखो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस गिवन बाय एम मोलर मास ऑफ वन पार्टिकल टू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, तो ये देखो पर मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर, तो देखो एम इक्वल टू आ जाएगा आपका, फिर कंबाइन करो तो दोनों को तो आपका रो इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन, ये फॉर्मूला मेन है भाई, ठीक है ना। फिर डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ मेटल आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू यूनिट सेल पैरामीटर, ऐसा रहता है ये एन इंटू एम वही है, फिर एम एम निकालते हैं ऐसा, देखो तो एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ यूनिट सेल, ये मेन एम निकालने पूछ सकते हैं सब देर मालूम है कोई ना। फिर यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल, ये निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ एम कंटेन एन ए पार्टिकल, तो एक्स ग्राम ऑफ निकाल सकते हैं एक्स इंटू एन ए अपॉन एम, ये ऐसा आ जाएगा। और सब्स्टिट्यूशन ऑफ एम इन द अबव ऊपर एम को डाल दो तो आपका आ जाएगा, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम क्या जाएगा एक्स एन ए अपॉन रो ए क्यू इंटू एन ए अपॉन एन ए अपॉन एन, तो ये हो जाएगा आपका इसमें से क्या जाएगा आपका एन ए एन ए कट जाएगा इसमें से जो कट होगा कट कर देगा, तो x इंटू एन ये एन ऊपर से जाएगा अभी आ जाएगा आपको फॉर्मूला। मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा डिटेल में जाके जाने क्योंकि हम वो पूरा चैप्टर हो चुका है, वन शॉट लेक्चर हो चुके हैं अभी, ये तो उसी में से सारा है, हम उसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि पूरा एक ही लेक्चर आपको ये मिल जाए क्वेश्चन उसके लिए कर रहा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम ऑफ मेटल इक्वेशन होती है, n पार्टिकल करस्पॉन्ड टू 1 यूनिट ले लिया हमने तो x इंटू एन अपॉन रो ए क्यू पार्टिकल करस्पॉन्ड टू x इंटू एन अपॉन पी रो ए क्यू इंटू वन अपॉन एन यूनिट, तो इसको इतना आ जाएगा x ग्राम बराबर है नहीं, मतलब इसमें क्या होती है एन एन कट कर देंगे x अपॉन क्या जाएगा ये आ जाएगा आपको सिंपल सिंपल इतना आप पढ़ने से आ जाएगा उतना डिफिकल्ट नहीं। तो अभी देखो मेरे चैनल में जितने भी स्टूडेंट अगर नए आ रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है ना। अच्छा हाँ अभी मैं अपने यूट्यूब पर भी आपको मालूम है कि मैं अपने ऐप में डेवलप कर रहा हूँ, अपना ऐप पे मैं कर रहा हूँ आपके क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूँ, तो जिसको ज्वाइन करना वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो देख ली जिसके पहले के दो वीडियो डाले, रोज मैं ना दो दो लेक्चर हो चुके, कल तीसरा चौथा जैसे चार लेक्चर ले रहा हूँ डेमो लेक्चर, आज दो हो गए दो दूसरा लेक्चर आज ही मैंने 12 बजे, कल तीसरा लेकर परसों चौथा, 21 से मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने 500 पर मंथ रखा हुआ है, तो अगर बच्चे बढ़ेंगे तो उसमें कम कर दूंगा, और अभी मैंने पहले 1000 बोला अब मैंने 500 कर दिया और बच्चे अच्छे हो गए और बच्चे जाएंगे तो मैं और उसको अमाउंट को कम कर दूंगा, ठीक है ना। देखता हूँ कितना कर सकता हूँ मैं करके ले लूँगा उसके अंदर, ठीक है ना। आप लोग सिर्फ ज्वाइन कीजिए मजा आएगा, और बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए पूरा पोर्शन खत्म करूंगा 2 से 3 महीने के अंदर, ये पोर्शन आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आप ज्वाइन कीजिए उससे तो भी क्रैश कोर्स में बहुत मजा आने वाला है। चलिए बाय, घर पे रहिए सेफ रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।